धर्मशाला में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और भवारना में गरीब लोगों को राशन इस दौरान बांटा गया, गरीब लोगों को राशन बांटा गया और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इस दौरान आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का असर यहां पर भी देखा जा रहा है। मदद के लिए विधानसभा अध्यक्ष सामने आए और इस दौरान आप देख सकते हैं मास्क उन्होंने पहन रखा है, हाथों में ग्लव्स भी पहन रखे हैं और जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहन रखा है और उन्हें राशन देते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, विधानसभा अध्यक्ष हैं ये और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गरीबों को राशन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की। तो ऐसी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है और क्योंकि गरीब लोगों के लिए अभी सबसे बड़ी असमंजस की ये स्थिति है क्योंकि दिहाड़ी पर ये लोग जीते थे लेकिन अभी खाने के लिए नहीं है और मोहताज होना पड़ रहा है एक एक दाने के लिए। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा राशन बांटा जा रहा है, लेकिन अगर बात गरीब तबके की जाए तो असल स्थिति क्या नजर आती है? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने आज सुला विधानसभा हल्के के भवारना में जो है वो गरीब लोगों को राशन बांटा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो लोग हैं जो मजदूरी करने यहाँ आए थे उनके लिए राशन कौन मुहैया करवाएगा। ये सबसे बड़ा अपने आप एक सवाल पैदा हो गया है और ये लोग जो है अब पैदल पालमपुर से दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं और पैदल ही ये दिल्ली जा रहे हैं। फिलहाल पालमपुर का ये मामला है और पालमपुर से भी कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उनके पास जो है वो SDM महोदय ने पासिस बनाकर दे दिए हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोगों तक सही जो चीज है वो कैसे पहुंचेगी और कौन पहुंचाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल नजर आ रहा है दीपिका यहाँ। जी बिल्कुल मनोज, एक बड़ा सवाल है और सोशल मीडिया पे लगातार ये कवायद चल रही है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। इन लोगों को क्या भरपूर वो मदद मिल पा रही है जिसकी इन्हें उम्मीद है या नहीं? दीपिका, बताना चाहूंगा कि आज भी जो मेरी बात इन लोगों के साथ हो रही है तो इन लोगों ने यही बताया है कि ये पालमपुर में मेला लगाने आए थे और जैसे ही यहाँ पर कर्फ्यू लगता है इनकी सारी ट्रेन की टिकट रद्द हो जाती है और ये यहाँ फंस जाते हैं। अब ये अगर मार्केट में किसी के घर दूध लेने भी जाते हैं या किसी के घर कोई सामान लेने जाते हैं तो लोग इन्हें सामान देने के बजाय इन्हें डंडों से पीट रहे हैं, जिसके चलते अब इन्होंने मन बना लिया है कि हम चले जाएंगे। फिलहाल इनका ये भी कहना है कि प्रशासन ने इनकी कोई हेल्प नहीं की है, तो कहीं ना कहीं जो है वो मजदूर तबका जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिसता हुआ नजर आ रहा है दीक्षा। तो बिल्कुल शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि विदेशों से ये कोरोना भारत में आया लेकिन जो मार है गरीब तबके पर देखी जा रही है। जब भी किसी महामारी की चपेट में कोई देश आता है सबसे पहले गरीब तबका ही पिसता हुआ दिखाई देता है। हालांकि जो तस्वीरें सामने हैं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मदद की जा रही है, राशन दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि कितने लोगों की इस प्रकार मदद की जाएगी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रशासन की नजर में ही नहीं है।